बॉलीवुड परफेक्शनिस्ट आमिर खान का आज जन्मदिन है। एक्टर आमिर खान जितनी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहे, उतनी ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी। एक्टर की लव लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आमिर खान ने दो शादियां की और दोनों ही टूट गईं। पहली शादी उन्होंने रीना दत्ता से की। कहा जाता है कि आमिर पहली नज़र में रीना दत्ता को अपना दिल दे बैठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक आमिर और रीना एक दूसरे के पड़ोसी थे। आमिर रीना को एक झलक देखने के लिए घंटों खिड़की पास बैठे रहते थे। किसी तरह आमिर ने रीना के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर भी आमिर ने हार नहीं मानी और रीना को फिर से मनाने के लिए लग गए, और आखिरकार उन्होंने रीना को शादी के लिए मना लिया। दोनों ने साल 1986 में शादी कर ली। शादी के बाद कपल एक बेटी आयरा खान और एक बेटे जुनैद खान के पेरेंट्स बने। हालांकि इनकी शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई। साल 2002 में कपल का तलाक हो गया। आमिर खान से रीना दत्ता अलग हो गई, लेकिन अक्सर वो फैमिली फंक्शन में नजर आ जाती हैं। रीना और आमिर का तलाक हो चुका है, लेकिन फिर भी कपल के बीच अच्छे रिश्ते हैं। तलाक के बाद रीना दत्ता लाइमलाइट से दूर हो गईं और उन्होंने आर्ट से प्यार किया और लोगों की जिंदगी में रंग भरा। साथ ही रीना आज भी पानी फाउंडेशन में आमिर और किरण, जो कि आमिर की दूसरी पत्नी हैं, उनके साथ काम करती हैं। आमिर की पहली पत्नी रीना पानी फाउंडेशन में CEO हैं। एक इंटरव्यू में आमिर ने XBB के बारे में बात करते हुए कहा था, वो एक बेहतरीन इंसान है। कभी कभी कोई रिश्ता काम नहीं करता, लेकिन मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार और सम्मान है। दरअसल हम इस पानी प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं। वो कंपनी की COO हैं। कॉफी विद करण सीजन 6 में भी आमिर ने पहली पत्नी रीना के बारे में बात की थी और कहा था, जब मैं और रीना अलग हुए तो हमारी शादी को 16 साल हो गए थे। वो वक्त हम दोनों के लिए और हमारे परिवार के लिए दर्दनाक था। हमने इससे निपटने की कोशिश की, हमने पूरी कोशिश की स्थिति को बेहतर करने की। रीना और मैंने अलग होने के बाद भी एक दूसरे के लिए प्यार या सम्मान नहीं खोया। आगे आमिर खान ने कहा था, भले ही मैंने और रीना ने तलाक ले लिया हो, लेकिन हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ। रीना हमेशा परिवार का हिस्सा रहेंगी। कानूनन हम अलग हो चुके हैं, लेकिन एक कागज का टुकड़ा हमारे बीच का रिश्ता और बॉन्ड खत्म नहीं कर सकता। रीना दत्ता को तलाक देने के बाद आमिर खान के किरण राव से दूसरी शादी की। किरण और आमिर का एक बेटा भी है, लेकिन शादी के 15 साल बाद उन्होंने किरण को भी तलाक दे दिया। अब दोनों का तलाक हो चुका है, लेकिन अक्सर ये दोनों बेटे के साथ नजर आते हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।